राजपाली पुलिस द्वारा एमपीडीए के फरार आरोपी को जाल बिछाकर धर दबोचा है। आरोपी पर शहर के कई पुलिस थानों में मामले दर्ज है। कई दिनों से पुलिस को चकमा देने वाला आरोपी सैयद आरिफ उर्फ सोनू सैयद वल्द, सैयद शराफत उम्र 23 साल निवासी लाला दरवाजा पीली मार्बल चौक को गिरफ्तार किया गया है। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा 31 मार्च 2021 को आरोपी सैयद आरिफ और सोनू सरिया व सैयद शराफत को तड़ी पार किया था, लेकिन कई दिनों से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार था। शहर के अलग अलग पुलिस थाने की पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी। आरोपी कुख्यात होने से उस पर लकड़गंज, खापरखेड़ा, यशोधरा और अलग अलग थाने में गुनाह दर्ज है, जिसे पाचपावली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी 31 मार्च 2021 ला एमपीडीए मंजूर केला होता। त्या आरोपीचं नाव आहे सय्यद आरिफ उर्फ सोनू सरप्या व सय्यद शराफत, वय 23 वर्षे, राहणार लाल दरवाजा पीली मार्बल चौक, पोस्टे पाचपावली, नागपूर शहर। याचा एमपीडीए मंजूर झाला होता आणि तेव्हापासून हा आरोपी सतत पोलिसांना हुलकावण्यात येत होता। काल नेमकं त्याला ट्रॅप करून आम्ही पकडलेला आहे आणि आज त्या आरोपीला क्राइम ब्रांच थ्रू जेलमध्ये दाखल करीत आहोत। त्याच्यावर बॉडी ऑफेन्स आहे 307, मारामारी, राईड्सचे वगैरे आणि जबरी चोरीचे सुद्धा गुन्हे दाखल आहेत त्याच्यावर। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनके मार्गदर्शन में क्राइम डीसीपी गजानन राजमाने, जोन क्रमांक 3 के डीसीपी लोहित मतानी, इनके नेतृत्व में पाचपावली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेणी तथा डीबी टीम के पीएसआई प्रमोद खंडार, हेड कांस्टेबल संतोष ठाकुर, हेड कांस्टेबल सुनील ठाकुर, हेड कांस्टेबल नंदकिशोर वाल्दे, हेड कांस्टेबल शागिर शेख, छगन सिंह ने, एनपीसी अमित सातपुते, एनपीसी संजय मित्रा, एनपीसी विकास सिंह, एनपीसी रोशन फुकट, कांस्टेबल प्रकाश राज पलिवार, कांस्टेबल नितिन वर्मा, कांस्टेबल राकेश सिंह, कांस्टेबल संजय वरे, इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज, नागपुर।